मार्केट में आज अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रहा है श्रद्धालुओं की संख्या। लेकिन ये यहाँ की रिक्शा स्टैंड जो कि अस्थायी कभी भी हटा दिया जाता है, ऊपर आपको दिख रहे होंगे काफी सारे होटल धर्मशाला है। आराम से आप सुभाष घाट में आज भी गंगा जल नहीं है, काफी सारे श्रद्धालु यहाँ से वापस जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्नान करना मुश्किल है। देख ये है स्वामी विवेकानंद पार्क जहाँ पे भगवान शिव की 108 फीट ऊंची मूर्ति है। देख रहे हैं काफी हरियाली है यहाँ पे, देख रहे हैं खाने पीने की चीजें आपको मिल जाएंगी। और आज की वीडियो की स्टार्ट हम नई घाट से कर रहे हैं। नई घाट में इस कारण क्योंकि काफी सारे श्रद्धालुओं का कहना था कि नई घाट का दृश्य दिखाइए, वहाँ पे भीड़ क्या है, मुंडन की विधि क्या कैसे होता है। तो देख रहे हैं यहाँ पे सारे नई बैठे हुए हैं मुंडन की विधि के लिए और आगे अस्थि विसर्जन और पिंडदान करने का भी विधि होता है। अभी हम आपको पूरी जानकारी देंगे, पूरी घाटों का दृश्य दिखाएंगे, खास तौर पर यहाँ पे अभी क्या दृश्य बना हुआ है। भीड़ का काफी ज्यादा दृश्य दिखने को मिल रहा है और सातवें नौवें दिन में भीड़ और भी ज्यादा होने वाला है। अगर आप पिंडदान करने आ रहे हैं तो आप सातवें नौवें दिन का महत्व जानते ही हैं। आप चलते हैं ये वाले ब्रिज से ऊपर जाएंगे, संजय सेतु में पहुंच जाएंगे क्योंकि हम नीचे आए थे आपको इस घाट का दृश्य दिखाने के लिए। देख रहे हैं श्रद्धालुओं की संख्या घाटों में अभी प्रवेश कर रही है, घाटों से काफी सारे लोग स्नान करके जा रहे हैं। तो पहले हम आपको मार्केट का दृश्य दिखाते हैं। ये हम आ चुके हैं घाट पे, पहले हम सोचे घाट का दृश्य दिखाते हैं, फिर हम आपको मार्केट का दृश्य दिखाएंगे, फिर और भी घाटों का दृश्य दिखाएंगे। देख रहे हैं श्रद्धालुओं की संख्या गंगा जी में किस तरह से स्नान कर रही है, जल की धारा काफी कम और कहीं पे बहुत ज्यादा सूखा भी है, स्नान करना काफी ज्यादा मुश्किल भी है। फर्की पैड़ी में इस तरह से है, इससे भी ज्यादा आपको जल चाहिए तो आप जाइए शिव घाट का वीडियो हमने बना रखा है बिल्कुल सेपरेट। काफी अच्छी सुविधा है यहाँ पे, आपको छांव कहीं पे नहीं देखने को मिलेगा, बैठने के लिए साधन नहीं, कम साधन है, तो आपको शिव घाट में सारे अच्छे साधन मिल जाएंगे। आराम से स्नान करें, बच्चों के साथ बुजुर्गों के साथ बैठे कुछ देर, किसी बार के वहाँ पे आपको कोई बोलेगा नहीं और कैसे बोला तो किसी भी घाट में नहीं जाता है। आराम से आप अपने हिसाब से स्नान करें। शनिवार और रविवार को भीड़ देखने को मिलता है, आज रविवार है और भीड़ आज है और श्रद्धालुओं की संख्या भी आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा है। अभी हम आपको पूरे घाटों को दृश्य दिखाएंगे, नीचे जाएंगे काफी लोग स्नान कर रहे हैं, पूरे घाटों का अलग ही दृश्य देखने को मिल रहा है। ये यहाँ की रिक्शा स्टैंड जो कि अस्थायी कभी भी हटा दिया जाता है, ऊपर आपको दिख रहे होंगे काफी सारे होटल धर्मशाला है, आराम से आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। देख रहे बिल्कुल घाट के सामने रिक्शा वाले आपको छोड़ेंगे, ये ब्रह्मकुंड में प्रवेश करने का द्वार और यहाँ पे काफी सारे रिक्शे वाले खड़े हुए हैं। हालांकि भीड़ ज्यादा होता है तो इसे आगे से रोक दिया जाता है और रास्ता बंद करके इन्हें आगे ही वापसी भेज दिया जाता है ताकि यहाँ पे जाम का सिचुएशन ना बने क्योंकि आप ये देख रहे हैं, ये है प्रमुख मार्केट अपर रोड मार्केट हरकी पैड़ी के पास यहाँ पे, और सारे जो रिक्शे हैं वो कुछ देर बाद हटा दिया जाता है, जैसे भीड़ ज्यादा होता है तो इन्हें हटा दिया जाता है ताकि जाम ना लगे। तो हरकी पैड़ी बस यहाँ से नजदीक है और यहाँ से प्रमुख द्वार हरकी पैड़ी का दिख रहा है। अब हम आपको मार्केट का दृश्य दिखा दिए, कुछ घाटों का भी दृश्य दिखा दिए हैं, अब हम आपको दिखाएंगे हरकी पैड़ी नीचे घाट का दृश्य जहाँ ये हम आ चुके हैं घाट पे। ये नई घाट जो कि हमने आपको पहले ही दिखा दिया था, अभी हम दूसरे घाटों का दृश्य दिखाते हैं। देख रहे हैं कुछ गाड़ियां इधर से जा रही है, उस सीधे जाएंगे ऋषिकेश बाईपास की ओर, देख रहे हैं दोनों ब्रिज से होते हुए। ये हरकी पैड़ी जहाँ पे आरती होती है, लोगों की संख्या बैठते हैं माँ गंगा की आरती के दिव्य दर्शन करने के लिए। अब हम जा रहे हैं नीचे और नीचे का दृश्य दिखाते हैं, भीड़ तो काफी अच्छा हो रखा है और नीचे जाते ही देखते हैं क्या दृश्य है। पूरे घाट में अच्छी खासी रस है आज, देख रहे हैं। ये हम आ चुके हैं प्रमुख घाट पे जहाँ पे लोगों की संख्या गहरे जल पे उतर रही है गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए। समय की बात क्या है, लगभग 9:50 होने को है। देख रहे हैं अच्छी खासी लोगों की संख्या है जो कि डुबकी लगा रही, आशीर्वाद ले रही है माँ गंगा पे, और कुछ लोग यहाँ पे पिंडदान भी कर रहे हैं क्योंकि पिंडदान का ही सीजन है
अभी 16 दिन का जो श्राद्ध होता है उसमें पूरा यही आपको देखने को मिलेगा। 16 दिन में लगभग आज 5वां दिन है। अब हम करेंगे ब्रह्मकुंड के दर्शन। ब्रह्मकुंड के पास ऐसा ही भीड़ काफी ज्यादा होता है, देख रहे हैं ये लोग स्नान कर रहे हैं। वहाँ पे अच्छी खासी वहाँ पे भीड़ है, श्रद्धालुओं की संख्या है जो कि डुबकी लगा रही आशीर्वाद ले रही है। चारों ओर का दृश्य अगर हम दिखाएं आपको, कुछ इस तरह का दृश्य है चारों ओर का। सामने जो घाट दिखाई दे रहा है ये महिला घाट है, देख रहे हैं ये चंद्रगुरु यहीं पे आपको मिलेगा। इधर से आप भीमगुड़ा से भी एंट्री कर सकते हैं, देख रहे हैं। उसके बाद हम भीमगुड़ा का दृश्य, कुंड का दृश्य देख रहे हैं और एंट्री का द्वार ये है, इधर से आप एंट्री कर सकते हैं। अच्छी खासी जल की धारा यहाँ पे तेज होती है लेकिन अभी नहीं है, कम है जल की धारा, लेकिन स्नान करने के लिए किसी बार कोई दिक्कत नहीं है। ये हम आ चुके हैं मालवी घाट पे और मालवी घाट का दृश्य आप देख रहे हैं। ये है सबसे बड़ा घाट और सबसे ज्यादा चेंजिंग रूम भी यहीं पे मिलता है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं चेंजिंग रूम का दृश्य। इस किनारे में जो स्टील के आपको दिख रहे हैं ये सारे चेंजिंग रूम है, देख रहे हैं। माता और बहनों से रिक्वेस्ट है कि वो चेंजिंग रूम में कपड़ा चेंज करें। और एक रिक्वेस्ट और करूंगा मैं, क्योंकि काफी सारे लोग यहाँ पॉलीथिन का यूज कर रहे हैं, तो पॉलीथिन का यूज करें लेकिन इसे डस्टबिन में छोड़ दें, ऐसे गंगा घाटों में ना छोड़ें। और काफी सारे लोग गंगा जी में कपड़े भी छोड़ देते हैं। जहाँ पे भगवान शिव की 108 फीट ऊंची मूर्ति है, देख रहे हैं काफी हरियाली है यहाँ पे, देख रहे हैं खाने पीने की चीजें आपको मिल जाएंगी और इस तरह के गार्डन भी है। और यहाँ से फोटोग्राफी कराते हुए काफी सारे लोग नजर आएंगे, देख रहे हैं ये है भगवान शिव की 108 फीट ऊंची मूर्ति। यहाँ पे फोटोग्राफी के लिए फोटोग्राफर भी मिल जाएंगे और आप दर्शन कर सकते हैं 108 फीट ऊंची मूर्ति भगवान शिव की। हरिद्वार का सबसे खास जगह है और आप आएंगे यहाँ पे तो काफी अच्छा महसूस करेंगे, देख रहे हैं काफी सारे लोग यहाँ पे फोटोग्राफी कर रहे हैं जैसे कि हमने आपको पहले बता दिया। और इधर आप देखेंगे ये स्वामी विवेकानंद की मूर्ति, ये हर की पैड़ी से ये वाली जो पार्क है कह सकते हैं, वो अगर हाईवे से आएंगे तो 5 किलोमीटर पड़ेगा, अगर आप दूसरे किनारे से आएंगे तो हम को पंजी पार्किंग होते हुए आएंगे तो मात्र 5 मिनट लगेगा आपको सफर करने में, इतनी अच्छी दूरी कम है। ये वाली जो मार्ग है ये है पंचदेव जाने का मार्ग है, पार्किंग है सबसे अच्छा पार्किंग है, बस ये ब्रिज को क्रॉस करेंगे आप पंचदेव पार्किंग चले जाएंगे। काफी अच्छी खासी दृश्य है आज का भीड़ वाला, आराम से भी यात्रा करें, यात्रा करने में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस तेज धूप है, बाकी आप देख ही रहे हैं दृश्य यहाँ का किस तरह का है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पे। जय माँ गंगे, हर गंगे, नमामि गंगे।